कासगंज जनपद की पटियाली तहसील क्षेत्र स्थित नगला ठकुरी गांव के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय का है, जहां विद्यालय में खराब खाना खाने से आधा दर्जन छात्राओं की अचानक हालत बिगड़ गई। वहीं छात्राओं की हालत बिगड़ने पर देर रात विद्यालय की अध्यापिका राधा सक्सेना द्वारा तीन छात्राओं ज्योति, फरीन और मुस्कान को इलाज के लिए गंज डुंडवारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं अस्पताल में इलाज करा रही छात्रा ज्योति ने बताया कि विद्यालय में वार्डन कल्पना यादव खराब हुए कीड़े पड़े राशन का खाना बनवाती है, जिससे खराब खाना खाने से छात्राओं की तबीयत खराब हुई है। और जब वार्डन की शिकायत किसी अधिकारी से की जाती है तो वार्डन विद्यालय से नाम काटने की धमकी देती है। वहीं बीती रात को विद्यालय में छात्राओं को खाने में दाल चावल, रोटी, मटर, आलू की सब्जी दी गई थी। सब्जी और दाल में कीड़े थे, जिसे खाकर तबीयत खराब हुई है। फिलहाल बीमार हुई छात्राओं का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? भगवानी आलम। ये जो छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया, कैसे हालत बिगड़ी है, क्या है मामला? खाने की में सबसे ज्यादा आ रही है, खाने में लड़ा हुआ आटा है, नहीं भी निकल रही है और पूरा ही सिस्टम खराब है विद्यालय में। किस विद्यालय का मामला है? वो है नसल बटानी आवासीय विद्यालय। कहाँ पर है ये? गलम्बर के पास पड़ता है। तो कितनी है छात्राओं की हालत बिगड़ी है? आज नमनी नजमा रहे हैं। यहाँ अस्पताल में कितनी भर्ती कराया गया है? क्या बोल लो? गंज अस्पताल में कितनी छात्राओं को भर्ती कराया इलाज के लिए? आज नहीं गड़ी में नहीं गड़ी चला है ना, मैं घर जा रहा हूँ। तो आपकी कौन है इनमें? ये नवानी सेंटर में। तो किन की देख रेख में ये खाना बनता है वहाँ विद्यालय में? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।